माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। ऐसे मूर्ख क्यों बना रखा है आपने छात्रों को? सीसैट के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे हैं, 25 से ज्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस। आपको कक्षा 10वीं के स्तर के सवाल पूछने हैं, आप पूछते हो IIT और CAT के लेवल के सवाल। एक परीक्षा वो होती है जो UPSC लेता है, एक परीक्षा वो होती है जो आपका जीवन आपकी परीक्षा लेता है। इस परीक्षा के दौरान कोविड का, जैसे सबको पता है, डिफरेंट स्टडीज को पता है, सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब समाज पे पड़ा है, दलित समाज पे पड़ा है। वो ठगे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि UPSC ने उनके साथ धोखा किया है, उनकी मेहनत के साथ, लगन श्रद्धा से साथ। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। देश का सर्वश्रेष्ठ सेवा UPSC, जहां तमाम देश भर से छात्र अपनी सेवा देने के लिए परीक्षाएं देते हैं, और ये परीक्षा आसान नहीं होता। देश का सबसे मुश्किल सेवाओं में से एक है, सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। इन परीक्षाओं में भी त्रुटियां कई हैं, छात्र लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, और इसी को लेकर आज तमाम लोग यहाँ प्रेस क्लब में उपस्थित हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ विसंगतियाँ, त्रुटियों को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी मैम, स्वागत है। थैंक यू मैम। आप अपना परिचय दीजिए, उसके बाद बताइए क्या कुछ मामले लेके आप यहाँ उपस्थित हैं। मेरा नाम आयुषी है, मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, मैं उत्तराखंड पे देवभूमि से हूँ, और आज हम हाल ही में UPSC ने जो सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करी थी उसमें बहुत अनियमितताएं हैं, तो उसी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आज हम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ अनियमितताएं हैं जिसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट था उसमें लगभग 25 से ऊपर क्वेश्चंस ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। उसके लिए हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस भी फाइल किया है, पिटीशन अभी माननीय न्यायपालिका सुनेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जीत ज़रूर होगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं UPSC को और सरकार को और अपने प्रधानमंत्री जी को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि इस समय पूरे UPSC छात्र वर्ग जो है उनके, वो ऐसा लग रहा है कि वो ठगे गए हैं, ऐसा लग रहा है कि UPSC ने उनके साथ धोखा किया है, उनकी मेहनत के साथ, लगन श्रद्धा से साथ, जो उन्होंने इतने समय से लगातार तैयारी करी है, उसके साथ उनको लगता है कि वो ठगे गए हैं, धोखा हुआ है। तो सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में इस साल क्वालिफाइंग मार्क्स कम करके एक नई लिस्ट जरूर जारी करें, साथ साथ जो 2019 में UPSC ने विजन डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें ये रिकमेंड किया था सरकार को कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को रिमूव करें, तो उस पर जरूर सरकार सोचे और उसको जरूर रिमूव करें। साथ में तीसरी डिमांड है जो जनरल स्टडीज़ का पेपर इस बार आया था उसमें भी बहुत अनियमितताएँ थी, तो सरकार को बिल्कुल उस पर एक्सपर्ट कमेटी बना के उसको चेक करवाना चाहिए, जांच करवानी चाहिए कि क्या एक स्टैंडर्ड लेवल उसमें मेंटेन किया गया था या नहीं किया गया था। अच्छा, ये जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन का जो मुद्दा है, ये क्या किसी इंटेंशन के तहत किया गया है कि ज़्यादा छात्र हैं तो कम करने की, या कुछ तो इसके पीछे है, क्या कुछ वजह है? देखिए, छात्रों में ये बात तो है, उनको मानसिक तौर पे लगता है कि बासवान कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में जो अधिकतम आयु होनी चाहिए छात्रों की वो 27 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। तो हम छात्र वर्ग में ये एक उड़ती बात तो ज़रूर है कि ऐसा ज़रूर हो सकता है कि शायद UPSC इसको इनडायरेक्टली या सरकार इनडायरेक्टली इस कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है। लेकिन UPSC ने इस तरह का पेपर क्यों बनाया, ये तो खुद छात्र भी ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जामिनर्स की क्या मानसिक दशा होगी कि उन्होंने इस तरह का पेपर बनाया। आप मानसिक दशा की बात कर रही हैं, तो ऐसे भी सुनने में बहुत आता है कि UPSC के जो छात्र होते हैं कई बार एग्ज़ाम देते हैं, कई बार किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, उसके बाद की जो उनकी मानसिक तनाव होता है, ट्रॉमा होता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, जितना मैं इस पेपर के बारे में समझ पाई हूँ, ये पेपर अपने में ही एक बहुत बड़ी जर्नी है, ये मेंटली, फाइनेंशली, सोशली, इमोशनली बहुत कुछ परीक्षाएं होती है। एक परीक्षा वो होती है जो UPSC लेता है, एक परीक्षा वो होती है जो आपका जीवन आपकी परीक्षा लेता है। इस परीक्षा के दौरान तो बहुत कुछ सहन करके एक UPSC एस्पिरेंट अपने ड्रीम्स को सफलता तौर पे पार सक पाता है। अच्छा, आपने कहा कि त्रुटियों को लेकर पिटीशन वगैरह दिया है, क्या कुछ उस पर
कोई प्रतिक्रिया आई, क्या कुछ हुआ, कोई एक्शन लिया गया? देखिए, अभी मैटर कोर्ट में पेंडिंग है और मुझे न्यायपालिका पे पूरा पूरा भरोसा है और मुझे डेफिनेटली लगता है हमारा केस बहुत स्ट्रांग है और हम केस डेफिनेटली जीतेंगे। लेकिन हम तो विश्वास कर रहे हैं सरकार पर, हम विश्वास कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी पर। क्या हम छात्रों की मन की बात आप तक पहुँच रही है? प्रधानमंत्री जी, हम खुद चाहते हैं कि आप इस बात का संज्ञान लेते हुए इसके लिए कुछ कठोर कदम ज़रूर उठाएं, क्योंकि हम सब छात्र आगे चल के IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, IRS बनेंगे और देश का भविष्य इस तरीके से अंधकार में है। तो आप माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के ये गुजारिश है, हम आपसे मिलना चाहते हैं और हम आपको खुद बताना चाहते हैं कि UPSC में पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या क्या गलतियाँ हैं। तो ये है साफ तौर पर, एक IAS की छात्रा हैं और देश की बेटी का एक अपील है प्रधानमंत्री से कि वो साफ तौर पर उनसे मिलकर बताना चाहती है क्या कुछ त्रुटियां हैं। इनकी बात को सुनिए। मेरा नाम मनोज है, मैं बिहार राज्य से आता हूं और इस वर्ष जो 28 मई को परीक्षा हुई है सिविल सेवा की, उसमें प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर में त्रुटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा वेगनेस है पेपर में। इन्होंने CSAT के पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछे हैं, 25 से ज़्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस, 80 सवाल होते हैं CSAT के पेपर में, उसमें आप 25 से ज़्यादा सवाल आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेते हैं। कहने वाले हमसे कहते हैं कि UPSC जैसा एग्ज़ाम है, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ भी सकता है। अरे हम कहते हैं, आपको अगर अपर लेवल की मैथमेटिक्स पूछनी है तो क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप उस बात को अपने नोटिफिकेशन में लिख के दिखा सको? ऐसे मूर्ख क्यों बना रखा है आपने छात्रों को? आप कहते हो कि आपको कक्षा 10वीं के स्तर के सवाल पूछने हैं, आप पूछते हो IIT और CAT के लेवल के सवाल, आप लिख तो दो जनाब, हम आपसे कुछ कह थोड़ी रहे, आप लिख दो कि आप IIT और CAT के सवाल पूछोगे। लेकिन कक्षा 10वीं का स्तर लिख करके फिर छात्रों को मूर्ख बनाना, ये बहुत गलत है, ये अन्याय है और ये पीठ में छुरा घोंपने जैसी बात है। इसके अलावा मैम, जो GS का पेपर हुआ, GS के पेपर में इस वर्ष बहुत ज़्यादा वेगनेस है, 47 सवाल लगभग ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। क्या कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी मैं आपको बताता हूँ, UPSC ने क्या किया इस वर्ष GS में, 3 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट दिए और 3 स्टेटमेंट के बाद सवाल पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और ऑप्शन लिखा है anyone, तीनों में से कोई एक, कौन सा एक ये पूछ ही नहीं रहे, तीनों में से कोई एक, any 2, any 3, none of these, ये 4 ऑप्शन दिए। अब फर्ज कीजिए UPSC के अनुसार स्टेटमेंट 1 सही है और 2, 3 गलत हैं, इसका मतलब ये हुआ जो बच्चा स्टेटमेंट any 1 ऑप्शन टिक करके आएगा उसे +2 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए पेपर में कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसे लगता है स्टेटमेंट 2 सही है, 1 और 3 गलत हैं, तब भी वो any 1 टिक करके आएगा और तब भी उसे +2 मार्क्स ही मिलेंगे। किसी तीसरे बच्चे को लगता है स्टेटमेंट 3 सही है, 1, 2 ये तो गलत आसान है। कर दिया ना? ये आसान नहीं किया, ये वीकनेस हो गया। इसमें क्या किया आपने, इसमें ऐसे बच्चे जिनके पास वाकई में नॉलेज है और जिनके पास नॉलेज नहीं है उनको आपने एक बराबर प्लेटफॉर्म पे ला करके रख दिया। तो तैयारी करने वालों ने आपका क्या बिगाड़ा था जनाब, जो आप इस प्रकार से ऑप्शंस बना रहे हैं जो कि तुक्केबाजी को प्रमोट कर रहा है। जी, मेरा नाम सुमित कुमार भारती है, मैं एक दलित समाज का विद्यार्थी हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैम, मेरा मुद्दा सामाजिक न्याय को लेके है। हमारे देश में हमेशा एक प्रथा रही है कि जो दलित समाज होता है, अगर आप उसकी डिफरेंट स्टडीज़ को देखेंगे तो उनमें गरीबी का मापदंड बहुत गहरा है, अभी भी दलित समाज में बहुत ज़्यादा गरीबी है। जब एक दलित समाज का बच्चा अधिकारी बनने का सपना लेता है
तो उसको उसकी सिलेबस की, एग्ज़ाम पैटर्न की, कंपटीशन की जानकारी लेते लेते काफ़ी समय उम्र का निकल जाता है, क्योंकि हमें संसाधनों की कमी होती है। यूपीएससी में हमारे लिए 37 साल तक का वक्त दिया गया है और उसमें हम कितनी भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। इन कोविड का, जैसे सबको पता है, डिफरेंट स्टडीज़ को पता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब समाज पर पड़ा है, दलित समाज पर पड़ा है। दलित समाज के बच्चों जो कोविड में तैयारी कर रहे थे वो नहीं कर पाए, उसकी वजह से जब रचना केस में सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ठीक है, जिसकी अटैम्प्ट ख़त्म हो गई है उनको हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, जिनकी एज जो अटैम्प्ट 12 सॉरी अटैम्प्ट वालों को हम रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन जिनकी एज ख़त्म हो चुकी है उनको नहीं देंगे। एज किसकी ख़त्म हो चुकी है? SC ST की ख़त्म हो चुकी है। जब हमारे वकील ने कहा कि साहब इससे तो SC ST कैंडिडेट के खिलाफ ही ये चला जाएगा, उनके तो नुकसान हो जाता, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम आइदर टेक इट और लीव इट, हम नहीं करने वाले। मैम, आप SSC GD में 3 साल की रिलैक्सेशन दे रहे हैं, मतलब आप चाहते हैं दलित समाज का बच्चा एक सेना में सिपाही बने, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप ये क्यों नहीं चाह रहे कि दलित समाज का बच्चा अधिकारी भी बने? आप SSC GD में पूरा मौका दे रहे हैं, 3 साल की रिलैक्सेशन दे रहे हैं और UPSC में एक भी बार मना कर रहे हैं। 2022 में आप दो दो बार मेंस एक ही साल में ले रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि आप जगहों पर मौका तो दे रहे हैं लेकिन UPSC में क्यों नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ तमाम लोगों ने तमाम तरह के त्रुटियां बताई, विसंगतियां बताई, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हुए हैं और प्रधानमंत्री से साफ तौर पर मिलकर उनसे बात कर उनको त्रुटियां बताना चाहते हैं। ये छात्र हैं, UPSC के छात्र हैं और ये त्रुटियां जानते हैं। कैमरामैन बॉबी के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।